पहले ये मेरे को दे। लेकिन उससे पहले हमने हाइजन थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। साइंटिस्ट का नाम है फाइजर, स्पेलिंग देख लेना बुक से, H-U-Y होगा। हाइजन थ्योरी, पहले ये नोट करो, फिर हम आगे इंटरफेरेंस को कंटिन्यू करें। हाइजन वो साइंटिस्ट है जिसने वेव नेचर के बारे में बताया था। हाइजन ने ही बताया था कि लाइट का वेव नेचर है। वेव नेचर, अगर एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि वेव नेचर किसने बताया था, तो वो हाइजन ने बताया था। वेव नेचर वाज गिवन बाय हाइजन। तो अगर हाइजन ने वेव नेचर बताया था तो कैसे बताया था, इसको बोलते हैं पॉस्टुलेट ऑफ हाइजन थ्योरी, या अजम्पशन भी कह सकते हो, या पॉस्टुलेट भी कह सकते हो। जो हाइजन ने थ्योरी हमारे को दी थी, इसमें दो पॉइंट है मेनली हाइजन थ्योरी में, तो वो पॉइंट्स हमें नोट करने हैं। फर्स्ट, अगर आपको हाइजन थ्योरी भी आती है तो आप ये दो पॉइंट बताएंगे सब बच्चे। हाइजन थ्योरी के अंदर पॉस्टुलेट भी कह सकते हो, इसको थ्योरी भी कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू हाइजन, कि अकॉर्डिंग टू हाइजन, अकॉर्डिंग टू हाइजन एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन, सॉरी बिहेव्स लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। बिहेव्स लाइक अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंड्स आउट, समझाऊंगा मैं आपको, एक बार नोट कर लो, एंड सेंड्स आउट इट्स ओन वेवलेट्स। कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। एक बार इतना नोट कर लो, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू हाइजन थ्योरी एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट, इधर ही आ जाओ आगे, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंड्स आउट इट्स ओन वेवलेट, सेंड्स आउट इट्स ओन वेवलेट। इसका मतलब क्या हुआ सुनिए, जैसे ये एक वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मैंने समझाए थे आपको, इसी सोर्स से जो वेव फ्रंट निकलते हैं, लेट की ये सोर्स है और ये इसके वेव फ्रंट। इसका हर पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट ले रहा हूं, कुछ पॉइंट ले रहा हूं, ये इसका हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और अपनी वेवलेट्स को देगा। जैसे मैंने ये बनाया,
तो अब ये समझो कि हर पॉइंट एक नया सोर्स है, जैसे ये तो मेन सोर्स है, ये उसका वेव फ्रंट था ये बड़े वाला, उसके ऊपर ये मैं कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, ये सारे पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेंगे, फ्रेश सोर्स, और अपनी लाइट देंगे, ऐसा हाइजन ने हमें बताया, और उसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स का नाम दिया, उस लाइट को हमने किसका नाम दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स का, सेकेंडरी वेवलेट्स, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सेकेंडरी वेवलेट्स, आप भी डायग्राम बना लो, जितनी भी ये निकल रही हैं ये सेकेंडरी, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह काम करेगा और अपनी सेकेंडरी वेव्स देगा, अपनी लाइट देगा, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, जिनको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी वेव, बना लिया। अब आप दोबारा से पढ़ के देखो इसको, अकॉर्डिंग टू हाइजन एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंड्स आउट इट्स ऑन वेवलेट्स, वेवलेट्स कहेंगे इसको, तो वेव फ्रंट बोलेंगे जो बड़े वाला था, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट, ये वाला तो वेव फ्रंट जो मैं ब्लू कलर से बड़ा कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आप लोग भी लिख, दिस इज द वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, दिस इज योर प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये जो बने छोटे छोटे सर्कल मैंने बनाए इनको आप लिखो सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू वेव फ्रंट, वेवलेट्स की इंटेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू दिस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकेंड को ध्यान से समझना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहले समझ लो फिर लिखेंगे हम। लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो तो फिक्स ही है, अब टी टाइम पे ये इसकी वेवलेट्स कितना चली, बराबर चलेंगी ना सारी की सारी, टी टाइम पर यहाँ से लाइट यहाँ तक पहुंचेगी, ये सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ तक पहुंच जाएंगी सभी से एक ही टाइम में, तो सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर इन स्फेरिकल जो मैंने सेकेंडरी वेवलेट्स बनाया इनके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट होता है जो टच करके जाए, अगर टेंजेंट सरफेस ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए जैसे मैंने बनाया है इनको टच करते हुए किसी टाइम पे, तो वो हमें ये बताता है पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट की पोजीशन बता, पोजीशन ऑफ, पोजीशन लिखा है मैंने, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी, फिर इसके ऊपर सेकेंडरी वेवलेट्स आएंगी ऐसे, फिर आगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे लाइट ट्रेवल कर, हाइजन कहता है कि लाइट इज ट्रेवलिंग लाइक दिस, कि हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करता है, वो अपने सेकेंडरी वेवलेट्स देता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर टेंजेंट प्लेन बनाया जाए किसी टाइम के बाद तो वो पोजिशन ऑफ द, पहले को प्राइमरी कहेंगे दूसरा अपने आप सेकेंडरी हो जाता है, सेकेंडरी वेव फ्रंट लिखा है मैंने, वेवलेट नहीं लिखा, वेवलेट तो यही होंगी छोटे वाली, फिर इसकी वेवलेट्स आएंगी, इसकी ऊपर वेवलेट्स आएंगी जैसे मैंने पहले बनाए, फिर उन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो फिर अगला सेकेंडरी वेव फ्रंट आएगा, हाइजन के अकॉर्डिंग लाइट ऐसे ट्रेवल करती है,
लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट्स एंड वेव फ्रंट. तो सेकंड पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, दूसरा पोस्टुलेट या दूसरी थ्योरी, अजम्पशन भी कह सकते हो, जो हाइजन ने माना था बाद में प्रूव भी हुआ. अकॉर्डिंग टू हाइजन, अकॉर्डिंग टू हाइजन, टाइम पे आओ ट्यूशन पे, फिर भी बेटा 20 मिनट ऊपर हो गए. उनको बोला करो कि सर 10 मिनट पहले फ्री करो, 5 मिनट पहले फ्री. अकॉर्डिंग टू हाइजन, द टेंजेंट प्लेन, लाइन नहीं है ये, द टेंजेंट प्लेन ड्रॉन ऑन द स्कैंड्री वेवलेट्स, ये टर्म्स को कंफ्यूज मत होना बस, स्कैंड्री वेवलेट्स एट एनी टाइम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में नहीं, आगे जाएंगे, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एट एनी टाइम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विल गिव द पोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट. एक बार लिख लो फिर बता दो, सेकेंडरी वेव फ्रंट. दो मैंने आपको अभी थ्योरी बताई है, हाइजन ने दी थी, एक बार देख लो फर्स्ट, बाद में लिख लेना जो बच्चे लेट आए समझ लो. फर्स्ट वो ये कहते हैं कि जिसे ये सोर्स है, मैं दोनों थ्योरी समझाता हूँ, सोर्स है और सोर्स से जो लाइट निकलती है वो अपने वेव फ्रंट से, वेव फ्रंट में निकलती है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ऐसे वेव फ्रंट, ये सारे वेव फ्रंट्स हैं जो डार्क लाइन्स. वो कहते हैं कि हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट अपने आप में एक नया सोर्स है और वो अपनी लाइट देता है हर पॉइंट, जिसको नाम दिया गया सेकेंडरी वेवलेट्स. एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट एंड सेंड्स आउट इट्स ओन वेवलेट्स. वेवलेट्स बोलते हैं कम इंटेंसिटी की लाइट, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, कॉल्ड सेकेंडरी वेव. ये तो फर्स्ट पोस्टुलेट, फर्स्ट थ्योरी थी हाइजन. फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट वेव फ्रंट फिर कहाँ होगा, वो किसी भी टाइम पर अगर मैं इसके ऊपर एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करूं, दैट इज द पोजीशन ऑफ नेक्स्ट वेव, जिसका नाम है सेकेंडरी वेव. तो जिसकी वेव, जिसके ऊपर वेवलेट्स बनाओगे वो प्राइमरी होता है और जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करने पे बनता है वो सेकेंडरी. जैसे अब ये प्राइमरी बन गया और इससे अगले वाला सेकेंडरी बन, तो ये तो प्राइमरी सेकेंडरी में चलते जाए. और ये जो छोटी लाइट है जिसको मैं ऐसे बना रहा हूँ सोर्स पॉइंट सोर्स को, इनको आप वेवलेट्स का नाम देंगे. तो ये दो पोस्टुलेट्स, दो अजम्पशंस हाइजन ने दी थी, विच इज कॉल्ड हाइजन्स वेव थ्योरी. हाइजन ने हमें बताया था कि लाइट के पास वेव नेचर भी है और उसके सपोर्ट में उसने ये दो पॉइंट दिए, फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि सिर्फ आपको अच्छे से पढ़ने और याद करने हैं. अगर आपको आता है 2-3 मार्क्स में डिस्कस हाइजन्स वेव थ्योरी, तो आप ये दो पॉइंट, दिस आर द हाइजन.
इंटरफेरेंस का मैंने आपको एनालिटिकल ट्रीटमेंट करवा दिया। लास्ट टाइम हमने इंटरफेरेंस में एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर लिया था। आज जो हम कर रहे हैं वो इस पूरे के पूरे वेव ऑप्टिक्स का सबसे मेन टॉपिक है, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको इन शॉर्ट आप YDSE से जानेंगे, या तो ये आर्टिकल आएगा ही आएगा या इसका न्यूमेरिकल आएगा। दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज एन, ये वो क्वेश्चन है जो हमें पता है बोर्ड में आना है, आइदर आर्टिकल इट्सेल्फ और इट्स न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है जिसमें डाउट ही नहीं आएगा। तो आज आपने, अगर आर्टिकल कंप्लीट हो गया, लंबा जरूर है, तो आज आपने इसकी एक्सरसाइज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की एक्सरसाइज करके आनी है ताकि हम कल इसके डाउट्स लें। यंग साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, उस पर आने से पहले ना थोड़ा सा आप एक सब टाइटल बना लो इसी के नीचे ही, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। इसको आप एक अलग क्वेश्चन बना, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज वो दो सोर्स होंगे या दो से ज्यादा सोर्स होंगे लाइट के, जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट है। पहले सुन लो, मैं टू द पॉइंट लिखता हूँ फिर नोट करवा दूंगा। जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट दें, इसने जो लाइट दी अपने वेव फ्रंट में और इसने जो लाइट दी उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। ये कंडीशन है कोई भी दो सोर्स का कोहेरेंट सोर्स कहने में। मैं ये कह सकता हूँ कि सोर्सेज आर सेट टू बी कोहेरेंट इफ दे अमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अगर कोई फेज डिफरेंस है तो वो कांस्टेंट रहे। आपको याद होगा इंटरफेरेंस में भी ये दो कंडीशन थी, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसका मतलब इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्सेज का होना बहुत जरूरी है। तो अब आप डिफाइन करो कोहेरेंट सोर्सेज। सोर्सेज आर सेट टू बी कोहेरेंट सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ लाइट, लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट लिख दो, आर सेट टू बी coherent sources if are said to be coherent sources if they emit light of same frequency. ये तो सबसे बड़ी condition है, same frequency and of constant phase difference. Constant phase difference. ऐसे sources को बोलते हैं coherent sources, interference इनके बिना नहीं होते। अब question ये उठता है, क्या मैं यह question ही बनाता हूँ छोटे छोटे ताकि आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। Can two independent sources can two independent sources of light और आ सकते हैं ना कैन के साथ आएगा आर कोहेरेंट इन नेचर। क्या दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं क्या नेचर में? आंसर
नो आंसर। अगर आपने कोई मैन्युफैक्चरर ये कहता है कि मैंने दो बल्ब बनाए 60 60 वॉट के, और वो कोहेरेंट है, वो गलत बात कर, पॉसिबल ही नहीं है कि आप दो ऐसे बल्ब या दो ऐसे सोर्स बना लो जो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट। वो बाई चांस तो हो सकता है कि आपने लाखों बल्ब बनाए 60 वाट के, करोड़ों बल्ब बनाए, उसमें से कोई दो मैच कर गए हो, लेकिन आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, क्योंकि तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है ऑसिलेटिंग, जो जब इसके मैकेनिज्म पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में, जो इलेक्ट्रॉन है, जो आयन्स ऑसिलेट करते हैं, जो कि 1 सेकंड में 10 की पावर 15 17 टाइम्स कर जाते हैं, उसमें एक भी ऊपर नीचे होता तो फ्रीक्वेंसी बदल जाती। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस आप कोहेरेंट आपको मिल ही नहीं सकते, बाई चांस भी नहीं मिल सकते, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो क्या दो सोर्सेस जो आपको मार्केट से मिले, क्या वो कोहेरेंट होंगे? नो, एक ही पॉइंट की वर्ड में आंसर, नॉट पॉसिबल। तो फिर इंटरफेरेंस कैसे करोगे अगर आपके पास सोर्सेज ही नहीं? तो फिर कोहेरेंट सोर्सेज हमें मिलते नहीं, हम उसको बना सकते हैं कैसे? हाइजन थ्योरी से। हाइजन ने क्या कहा कि एक वेव फ्रंट के सारे पॉइंट सोर्स का काम करेंगे। अब वो तो सेम फ्रीक्वेंसी के देंगे ना, क्योंकि पेरेंट सोर्स सेम है। तो अगर आपने एक वेव फ्रंट के दो पॉइंट को ट्रीट किया या तीन को ट्रीट किया, वो कोहेरेंट सोर्स होंगे, इंडिविजुअल सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट। तो फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक बार देख लो, यही बाद में आते हैं आर्टिकल पे। यंग्स ने क्या किया, आप भी कर सकते हो। आप एक छोटा सा बल्ब लो लाइट का, एलईडी टाइप, उसको एक बॉक्स में लगा दो, ऐसे बॉक्स में जिससे लाइट बाहर ना आती, उसको इस तरह से एक बॉक्स में बंद कर दो, बाहर इसकी लाइट नहीं आ रही। अब यहाँ छोटे से दो होल कर, छोटे छोटे दो, आपको उस होल से लाइट मिलेगी। अब ये जो लाइट मिल रही है हमें इन दो होल से, उनका पेरेंट सोर्स तो सेम है ना, जो फ्रीक्वेंसी की लाइट इसने इसको दी वही फ्रीक्वेंसी की लाइट इसको दी। एक्चुअली ये वेव फ्रंट था, बाकी का वेव फ्रंट तो हमने बाहर निकलने नहीं दिया क्योंकि ब्लॉक कर दिया, हमने दो छोटे से होल किए तो वो दो पॉइंट से लाइट बाहर आ गई। वो जब लाइट बाहर आई तो वो कोहेरेंट सोर्स का काम कर रही है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज नेवर बी कोहेरेंट, बट वी कैन मेक कोहेरेंट सोर्सेज बाय द डिफरेंट मेथड, जिसमें से दो तीन मेथड है आपके सिलेबस में, एक है दैट इज कॉल्ड यंग्स डबल डबल दो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट बोलते हैं छोटी सी सोर्स की, जो जिसकी जिसकी विड्थ बहुत स्मॉल होती है उसको हम स्लिट बोलते हैं। तो यंग ने क्या किया, एक सोर्स के सामने दो स्लिट बना दी। अब उन स्लिट से निकलने वाली लाइट कोहेरेंट सोर्सेज की तरह काम करेगी, तो हमें स्क्रीन के ऊपर कहीं पर मैक्सिमा कहीं मिनिमा मिलेगा बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये अब हमारा आर्टिकल है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब आप लोग हेडिंग बनाओ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मे भी कंप्लीट हो जाए आज के लेक्चर में, मे भी ना हो, बट जब रह जाएगा तो कंटिन्यू करूंगा वहीं से। YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट का नाम है यंग। यंग मेड कोहेरेंट सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट बाय यूजिंग, कौन सा कंसेप्ट यूज किया उसने, बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइजन थ्योरी। हाइजन की थ्योरी यूज की ना उसने,
तभी तो वो दो स्लिट सोर्स का काम थी, आइजन थ्योरी। He took a single source, a source of light, and fitted it inside a box, opaque box कर लो जिसमें से light बाहर नहीं आती, opaque. Inside a big box and made two small holes, जिसको आप स्लिट बोलते हो, called slits, and made two small holes. Light coming from these slits, light wavelets coming from these slits are of same frequency and of constant phase difference and of constant phase difference. When these wavelets, secondary wavelets, superimposed with each other, then interference will take place. यही condition थी interference. अगर कोई screen रख देंगे तो वहां आपको constructive और destructive interference दोनों मिलेंगी. If a screen is placed in front of double slit, then we get maxima, yani ki constructive interference, and minima formed on the screen. ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो. एक एलईडी बल्ब को बॉक्स में लगाओ, उसमें दो छोटे छोटे सुराख करो और घर की दीवार को स्क्रीन में डालो. आपके सामने क्या होगा, कहीं मैक्सिमा ब्राइटनेस नजर आएगी, कहीं डार्कनेस, ऐसे स्पॉट नजर आने शुरू हो जाएंगे, विच इज योर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. एक डायग्राम भी बना दो. जैसे ये दो सोर्सेज हैं S1 और S2 जो कि उसने बना दिए, और ये स्क्रीन है, दिस इज स्क्रीन. अब होगा क्या, लाइट के पास क्रस्ट भी होता है और ट्रफ भी होता है, ये तो पता ही है सबको. मैं डॉटेड लाइन से ट्रफ दिखा रहा हूँ, सॉलिड लाइन से क्रस्ट दिखा रहा हूँ, एक सोर्स का ऐसे दूसरे सोर्स का, और ये आपस में जहां कट कर रहे हैं इसका मतलब वहां सुपर इम्पोजिशन हो रही है. जब सुपर इम्पोजिशन हो रही है तो कई जगह पे आप देख रहे हो कि सॉलिड को सॉलिड लाइन कट कर रही है, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और अब बड़ा कर देता हूँ इस डायग्राम को. और कई जगह पे आप देख रहे हो कि सॉलिड को डॉटेड लाइन टच कर रही है, वहां पर डिस्ट्रक्टिव होगी. ऐसे बढ़ता जाएगा और स्क्रीन के ऊपर आपको सेंट्रल तो आपको ब्राइट नजर आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है हमेशा सेंटर पे,
फिर अंधेरा या डार्कनेस, फिर ब्राइटनेस, ऐसा स्क्रीन पे दिखेगा। ये तो इंटेंसिटी का ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ रोशनी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, ये डार्कनेस मिनिमा डार्कनेस, ये बीच वाला ब्राइटनेस, फिर डार्कनेस, फिर आपके पास ब्राइटनेस, अल्टरनेटिंग डार्कनेस और ब्राइटनेस आपको स्क्रीन पे दिखते हैं। दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट डन बाय द यंग्स एंड इट इज कॉल्ड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिला, मैक्सिमा एंड बना लो यहाँ। सब अब यहां ना एक टर्म आएगी फ्रिंज विड्थ, पहले समझो फिर आगे नोट करेंगे। जैसे ये दो डार्क है ना, इन दो डार्क के बीच का जो गैप है, या ये दो ब्राइट के बीच का जो गैप है, इसको टर्म बोल, इसको एक टर्म दे रहे हैं हम, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज बोलते हैं इसको, मैक्सिमा मिनिमम, कि इसकी विड्थ कितनी है, दो डार्क के बीच में पूरा ब्राइट आया हुआ, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, दो जो नियरेस्ट डार्क है उनके बीच का डिस्टेंस, या दो जो नियरेस्ट ब्राइट है उनके बीच का डिस्टेंस, उसको बोलेंगे फ्रिंज विड्थ बीटा, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ बीटा। इसका हमें डेरिवेशन करना है। अगर तो थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 मार्क्स में, तो आप इतना लिख के आ जाओ। अगर बीटा का एक्सप्रेशन आता है तो वो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को डिफाइन भी करेंगे, उसका एक्सप्रेशन भी करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। तो पहले उसके नीचे हेडिंग बना लो, फ्रिंज विड्थ क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमास और टू सक्सेसिव मिनिमास, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंजेस बोलते हैं जो स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा, डार्कनेस और जो ब्राइटनेस मिलेगा उसको हम फ्रिंजेस बोलते हैं। बेटा कल आपका फर्स्ट बैकअप लेक्चर रहेगा 1-2-2, अगर किसी की क्लैश करती है तो वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, वो चैप्टर भी कल डिसाइड करूंगा, बता दूंगा, पहले ही ग्रुप में डाल दूंगा। 3 दिन अब आपका बैकअप रहेगा, मैं बता दूंगा। जैसे कल कौन सा डे है, थर्सडे, सैटरडे और नहीं, आज, आज क्या डे, वेडनेसडे है ना, तो फिर आपके 3 दिन रहेंगे, थर्सडे नोट कर लो, एक दिन छोड़ दो, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे मैंने टाइम दिया हुआ, फिर ट्यूसडे कर, वो भी ट्यूसडे के बाद थर्सडे ही आता है, एक दिन छोड़। और बैकअप लेक्चर रहेगा इन दिनों, इसमें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और उसके बाद टेस्ट हुआ करेगा, उस पूरे बैकअप लेक्चर का जो आप कंप्लीट करेंगे 3 दिन में, उसका फिर आपका टेस्ट हो जाएगा और बाकी टेस्ट सीरीज भी उसके साथ ही स्टार्ट हो जाएंगी। बैकअप जिसका रहता है वो भी कर लेगा, जिसको रिवाइज करना है रिवाइज कर लेगा, जिसको लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है फिजिक्स में तो वो बैकअप लेक्चर से अपनी प्रेपरेशन शुरू कर ले। बाकी बच्चे जो टेस्ट सीरीज प्लान कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अपने यूनिट वाइज टेस्ट दे देंगे, दो दो यूनिट का क्लब करके दे देंगे, जो वो नहीं देंगे वो इनके अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे, तो भी प्रेपरेशन होगी। फ्रिंज विड्थ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, लिख लिया क्या ये,
डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमस और टू सक्सेसिव मिनिमस। क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ, 12 मिनट है मेरे पास, उसमें ये एक्सप्रेशन 50% होगा। तो हम क्या करते हैं, अभी डायग्राम तो बनाए, एक्सप्रेशन स्टार्ट तो कर ही देते हैं, कंप्लीट नहीं होगा यार। इसमें दो सोर्स लेने हैं आपको, जो यंग्स ने बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, हमने यहाँ पर डेमोंस्ट्रेट किया था। सोर्स का नाम ले लो S1 S2, ये लेट आप खुद ही कर रहे हैं ना। लेट अस टेक टू सोर्सेज S1 S2, यंग्स डबल स्लिट, इनके बीच में डिस्टेंस है d, स्मॉल d, ये d डिस्टेंस है। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल d, एक स्क्रीन रख दो, दिस इज अ स्क्रीन, जिसके ऊपर आपको मैक्सिमा या मिनिमम मिलेंगे। ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है O, एक पॉइंट ले लिया मैंने स्क्रीन के ऊपर P, जिस पे मैं कंडीशन स्टडी करूंगा और जिसका यहां से डिस्टेंस कितना है X। इतना डायग्राम बना, सर एक बार एक्स बताना क्या है। एक्स मैंने कोई पॉइंट लिया स्क्रीन के ऊपर जिसका सेंटर से डिस्टेंस है, मैं लिख देता हूं थोड़ा बहुत इसमें। लेट अस टेक टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 and S2 जो कि यंग्स ने बनाया, तो वो लिखने की जरूरत है, अंडरस्टूड है कैसे बनाएंगे। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, अ स्क्रीन इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट्स। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन का सेंटर ओ ले लिया, एंड लेट पी बी द पॉइंट on the screen at distance x from o, यही बनाया यही लिखा x from। अब जो secondary wavelets हाइजन ने बताया था, जो secondary wavelets यहां से जाएंगी और यहां से जाएंगी, वही आपस में इंटरफेयर करेंगी पी पॉइंट पर। और हमें कंडीशंस बनानी है पहले मैक्सिमम मिनिमा की, यहां से ये लाइंस को आप मिला दो। देखिए सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम S1 and S2 इंटरफेयर एट पी, एक पॉइंट लिया, ऐसे तो हजारों पॉइंट होंगे जहां पर इंटरफेरेंस होगी, हमने कोई एक पॉइंट ले लिया। अब वहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा उसकी कंडीशन बनानी है हमें। तो पहले तो आप देखिए पाथ डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में, देखिए पाथ डिफरेंस
पांच डिफरेंस को वो रहेगा एस टू पी, पाथ किसने ज्यादा कवर किया और कम किसने किया, एस वन। तो पहले ये कैलकुलेट करेंगे, फिर मैंने आपको बताया हुआ है कि पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है तो मैक्सिमा 2n+1 λ/2 तो मिनिमा याद होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप दो ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से दो लाइनें लगा डायग्राम में। इसको कोई अपनी तरफ इसको लिखने की जरूरत नहीं, लैंग्वेज में वैसे नाम दे दो, कोई एम इसको दे दो, एन इसको दे दो। तो पहले पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल दो है ना, एक तो बन गया एस टू एन पी एंड एस वन एम पी, दो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहाँ लिए। पाइथागोरस लगाएंगे तो एस टू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो चेक करो अपने डायग्राम को, एस टू एन का स्क्वायर और एन पी का स्क्वायर, ये बनता। सिमिलरली एस वन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। सिंपल मैथ चल रहा है, आपके पास डायग्राम बना हुआ है, वहां से आप देखते जाए। अब डायग्राम से आप चेक कर लो कि ये वाली साइड मैंने डी ली थी, तो बिल्कुल ये इतनी साइड कितनी होगी, डी बाय टू, यस और नो? और ये वाली साइड भी कितनी होगी, डी बाय टू। तो इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो एस टू पी का स्क्वायर, एस टू एन तो डी के इक्वल है, दिख रहा है आपको, डी का स्क्वायर पैरेलल लाइन है ना, और एन पी आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस डी बाय टू का स्क्वायर। सिमिलरली एस वन पी का स्क्वायर, अपने डायग्राम को खुद वॉच करो और चेक करो क्या ये इक्वेशंस बन रही है क्या, और ब्रैकेट में बता दो कि एस टू एन और एस वन एम इक्वल टू डी है। इक्वेशन नंबर उनको ना देके इनको दे दो, ये जो इक्वेशन वन और देखो, सब लोग यहाँ तक चेक करो। इतना सही है बेटा, क्या बताऊं? अब सेकंड को वन में, सेकंड में से वन को माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम टू, या सीधा ही लिख लो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। करो ये मैथमेटिक्स खुद करो क्या बनता, देखो काफी कुछ कट जाएगा माइनस करने पे, बचेगा क्या, मैं तो लिख देता हूँ, आप खुद मैच करके देखो, बचेगा ये एस टू पी का स्क्वायर एस वन पी का स्क्वायर, डी स्क्वायर कट गया, शायद 2xt बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab(x)d, ये बनना चाहिए। हम एक बार आप वेरीफाई कर दें, क्या सिर्फ 2xt बचता है माइनस करके, यही बचता है ना, लेफ्ट साइड के फैक्टर बना लो, एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू 2xt, और दूसरा फैक्टर नीचे ले आओ, इक्वेशन नंबर 3 यहां तक कर लो। अब यहां ना एक एजम्पशन लूंगा मैं, छोटी सी लिखूंगा पहले, क्योंकि सोर्सेज बहुत दूर नहीं होते, जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल होता है,
और तो ये दोनों डिस्टेंस को मुझे डिनोमिनेटर में कैपिटल डी के इक्वल लेना है, या तो नहीं है बट डिनोमिनेटर में आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो एस सोर्सेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये कंडीशन भी है इंटरफेरेंस की, सोर्सेस शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर and screen is not so far, not far away, इतनी ज्यादा दूर नहीं. So in denominator, denominator में, numerator में नहीं कर सकते हो, in denominator s2p plus s1p को approximately 2D ले सकते हैं डिनोमिनेटर, ये अजम्पशन आपको करना. उससे क्या होगा, पाथ डिफरेंस जो आप निकाल रहे थे बनेगा तो वो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैंने अजम्पशन ले ली, वो बन जाएगा 2XT बाय 2D. पाथ डिफरेंस, अब इक्वल का साइन लगा दो, चाहे XD बाय D, इतना पाथ डिफरेंस था पी पर पहुंचने पर. तो बेटा यहां से मैं अपना आर्टिकल कल कंटिन्यू करूंगा, आपने आज कुछ नहीं करना, इतना पढ़ना पड़ना, कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा आज आपसे, बट इट विल कंटिन्यू. इसको कल कंप्लीट करेंगे, आपकी ट्यूशन ना होती तो मैं कंप्लीट करता, 15 मिनट लगेंगे अभी, बस 15 कल पूरा करें.